बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से पंगा लेना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके भाई अनमोल को भारी पड़ गया है। दरअसल मुंबई के बांद्रा में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। इसके अलावा लॉरेंस की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले सकती है और वो इस मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका लगाने पर भी विचार कर रही है। अधिकारी ने बताया कि अनमोल बिश्नोई ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी और जाँच में उसकी संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। अनमोल बिश्नोई कनाडा में रहता है और अमेरिका आता जाता है। जिस फेसबुक पोस्ट के जरिए उसने अपनी गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी उसका आईपी पता पुर्तगाल का निकला। पुलिस के मुताबिक कथित हमलावर विक्की गुप्ता, सागर पाल को सोनू कुमार, सुभाष चंद्र बिश्नोई और अनुज तपन के साथ गिरफ्तार किया गया था। विक्की गुप्ता और सागरपाल बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें 15 मार्च को सोनू बिश्नोई और अनुज तपन ने 2 देसी पिस्तौल और 1 कारतूस उपलब्ध कराए थे। पुलिस के मुताबिक सोनू बिश्नोई और तपन फाजिल्का के रहने वाले हैं। फाजिल्का पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के मूल स्थान के पास है। अधिकारी ने कहा कि दोनों सोनू और तपन पंजाब के गंगापुर में दर्ज गोलीबारी के एक मामले में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के साथ सह आरोपी भी हैं। वहीं मुंबई की एक अदालत ने बांद्रा में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में पंजाब से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को शुक्रवार को 30 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया। सुभाष चंद्र और अनुज थापन को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अपराध शाखा ने गुरुवार को दोनों आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। दोनों पर गोलीबारी करने वालों को कथित तौर पर हथियार और कारतूस मुहैया कराने का इल्जाम है। पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि आरोपियों की अपराध में संलिप्तता थी और उन्हें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया।